हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का 8th क्लास है और नाउन चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो लोग नए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, ऐड हो जाइएगा और वहाँ से आपको जूम क्लास जो है जूम ऐप का लिंक मिल जाता है क्लास का। प्रत्येक रात 10 बजे क्लास होती है, आप निःशुल्क यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यस, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी भैया, जी भैया ठीक है। इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट था ये समझना था भैया मुझे, इस संबंध में यदि मैटर मतलब ये क्या है मतलब इसे लीगल हो तो इसे हीज या हर जो भी आवश्यक हो उसे स्पष्ट कर देना चाहिए, यानी कि क्या है। अच्छा, सेंटेंस में अगर ही का और हर का अगर कोई भी इंडिकेशन मतलब वहां पे दिख रहा है कि हाँ ये ही हो सकता है या हर हो सकता है, उस हिसाब से इसको यूज कर इस लेंगे परिपेक्ष में। अच्छा, अगर लगे कि कंफर्म है। जैसे ये देखिए, नॉर्मल अगर सिर्फ सभी टीचरों के लिए कहा जा रहा है एक कॉमन वे में तो हम हीज का ही यूज करेंगे, ठीक है। हीज हिम या ही का यूज जी करते हैं, लेकिन अगर हम किसी खास टीचर के लिए कह रहे हैं, किसी खास किसी को इंडिकेट हम अगर कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर अगर वो महिला है, महिला टीचर, महिला शिक्षिका है, तो वहां पे हम हर का यूज कर लेंगे। नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, हम उसी हिसाब से यूज ठीक कर लेंगे, हिज का यूज कर लेंगे। चलिए, अब अगला है हमारा वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, यानी ऐसे वर्ड हैं जो किसी समूह को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जैसे कि अगर एक म्यूजिशियन को क्या कहें, संगीतकार, संगीतकारों का जो कंपोजर को क्या कहेंगे, म्यूजिक कंपोजर को। किसको किसको म्यूजिक कंपोजर हाँ ये धुन धुन बनाने वाला या कंपोज करता है, संगीत म्यूजिशियन डिफरेंट है कुछ उससे, लेखक, हाँ संगीत लेखक, म्यूजिशियन संगीतकार हो गया सर, कंपोजर जो अच्छा कंपोज करता है राइटर था उसको जो बनाता म्यूजिक लिखता है। हाँ, है उसको क्या कहेंगे, वो राइट। राइटर इसको कहते हैं लेखक अब जैसे आपने लेखकार। देखा होगा, अब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस किसको कहेंगे, एक बैंड, यानी कि जो नहीं देखते हैं कि पुराने वाले ऐसे 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 करते रहते थे और सब लोग कोई वायलिन बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है उसके इशारों पे, तो वही एक प्रॉपर पूरा क्या है म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहेंगे, अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है। हाँ, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला लिया कि जब ढेर सारे डायरेक्टर लोग मिलके एक फैसला लेते हैं, डायरेक्टर के एक समूह ने, समूह जब फैसला करता है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, ऑफ ठीक है। अब बीवी अध्यक्षों ऑफ का गर्ल्स, संगठन क्या कहेंगे, डायरेक्टर। जैसे अब बीवी ऑफ गर्ल्स वुमेन ऑफिसर्स, यानी क्या है, एक समूह, जब वुमेन का, ऑफिसर्स का, गर्ल्स का एक समूह के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसे कहेंगे। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रैप का जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है गुच्छा ना उसके लिए इंग्लिश में वर्ड का यूज या होता चाबी है, का गुच्छा, बंच अ बंच ऑफ या ग्रैप्स या चाबी का गुच्छा को भी हम कहते हैं, अ चाबी का बंच ऑफ गुच्छा, कीज, कीज मतलब चाबी, प्लीज। ठीक है। बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का या लाठियों का जो झुंड गट्ठर गट्ठर होगा है ना गट्ठर उसको कहेंगे बंडल ऑफ स्टिक्स। अ हे कैरावैन क्या ऑफ मैम एंड हे मींस ये क्या होता है, जरा देखिए सर्च करिए तो उसी सेंस में होगा, लकड़ी के सेंस में ये क्या, ये देखिए, ये मतलब जानवर वानवर से दूरी रहते बता रहा हूं, एक मिनट। अगला देखिए, कैरावन किसको कहते हैं मालूम है, व्यापारियों। हाँ सर, जान व्यापारियों के पशुओं के समूह। खाने की सूखी घास, अच्छा वही ये है, सूखी घास जो हाँ वो क्या वही कहते था, हैं खिलाने के, पशुओं से पुआल रिलेटेड बोला वगैरह के सेंस में हुआ क्या, था, घास चारा डालते ना, चारा, चारा। हाँ हाँ, सूखा सूखा चारा ऐसे। कैरावैन में होता चारा, है जो आप एक ही तरह का वैन देखते हैं ना, बड़ा लंबी सी गाड़ी होती है, उसी में बाथरूम वगैरह हाँ, सब कुछ कारवान होता है, कारवान, सोने वोने का व्यवस्था भी उसी में होता वैनिटी है, जैसा, वैनिटी जैसा। वैनिटी वैन सब जैसे। तो कैरावैन ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स किसको कहते हैं, तीर्थ वो सर, यात्री, वो वहां घूमने उसे कहते हैं सही तीर्थ है, यात्री जो घूम रात्रि ट्रेवलर्स रात्रि यात्री, मर्चेंट्स सौदागर्स, सौदागर को मर्चेंट कहते हैं वगैरह, मर्चेंट, सौदागर, कारवान, ठीक है। तो उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, कैरावैन कहते हैं, ठीक है। अ चेन रेंज ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रृंखला जिसको कहते हैं, पर्वत श्रृंखला, एक श्रृंखला पर पर्वत आए चढ़ते फिर हैं। उसके बगल में फिर इस चेन तरीके से, तो उसको क्या कहेंगे, पर्वत ऑफ श्रृंखला कहते हैं, ठीक पर्वत है। श्रृंखला, चोयर जी भैया, चोयर में, कॉयर बोलेंगे शायद इसको,
क्या प्रोनाउंसिएशन है? सिंगर ऑफ सिंगर्स, चौहान, चॉयर तो नहीं कहेंगे, कायर कहेंगे शायद, देखिएगा एक बार। फायर सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? यही ग्रुप, फायर ऑफ सिंगर। सुन लेता हूँ। देखिए अच्छा, कभी प्रोनाउंसिएशन संबंधी दिक्कत हो ना, तो आप जी उसको भैया, गूगल पे तो लिख के, वहां पे स्पीकर का एक ऑप्शन आता है, उस पे आप उसको सुन उसको सकते अच्छा हैं। वो एक्सेंट आपको बता देगा किस तरह से इसको बोलना है। सी प्रोनाउंसिएशन एच ओ क्या है आई एक। आर, देखिए इसको मैं गूगल कर रहा हूँ, इसको क्या जी बोला क्वायर, जाता है? क्वायर, 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 वही है, क्वायर क्वायर, ऑफ सिंगर्स। एलेक्सा, एलेक्सा क्वायर। अरे अलेक्सा एप्पल वाले में है ना अपना सैमसंग जी है ठीक है, एक और ऑफ सिंगर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट छात्रों की सब छात्रों का वर्ग छात्रों कह सकते हैं, की एक कक्षा समूह कह समूह सकते हैं, वर्ग। समूह, हाँ समूह से कक्षा मतलब है। समूह से। अच्छा अ रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स अटेंडेंट्स, सर्वेंट्स किसको कहेंगे? जो आपके नौकर हैं या जो आपकी नौकर, सेवा है, सेवा जो देते हैं, ठीक है, सेवा अटेंडेंट, सेवा उनके ग्रुप को कहेंगे अ रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स अटेंडेंट्स। रेटिन्यू। ठीक है, अ क्लम्प ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी ये सब क्या पांच ही है? कहते ग्रुप को तो समूह, समूह को बता रहे हैं। ट्रीज का अगर ग्रुप है तो ग्रुप। क्लम्प अच्छा या ग्रुप ग्रुप ऑफ कहेंगे। जो लॉज, अगर पेड़ों ढेर सारे का समूह, कानूनों, कानूनों का समूह है, अगर कानून का समूह अगर ढेर सारा है तो कोड कोड कहेंगे। नहीं कहते कि कोड ऑफ कंडक्ट कोड फॉलो करना ऑफ, पड़ता है, हाँ वे कोड ऑफ कोड, अ कंडक्ट, कोड ऑफ लॉज। कोड ऑफ ठीक ट्रूथ है, लॉज, क्लस्टर या कॉन्स्टेलेशन, झुंड, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। देखिए जब स्टार्स किसी क्लस्टर, झुंड, एक क्या कहते हैं निश्चित गैलेक्सी। आकृति को बनाते हो, कभी कभी तारा देखते होंगे ना, एक त्रिभुजाकार में रहता है, या इस तरीके से एक डायमंड आकार फॉर्म करेगा, लगेगा कि इस तारा को यहां से जोड़ दें, इसको यहां से जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये गोला सा बन जाएगा, एक अलग शेप बनाएगा। उसी तरह का जो है वो, जैसे सप्तर्षि कहते हैं, सप्तृषि का एक कहते हैं ना कि गैलेक्सी यहाँ सप्तृषि है, सात जी तारा भैया, आपको अलग अलग एंगल पे हाईलाइट, मतलब ज्यादा वो ब्राइट रहते सबसे हैं। ज्यादा ध्रुव तारा चमकता हुआ नजर हाँ, आएगा। इसमें जब एक ग्रुप ऑफ स्टार अगर रहते हैं, एक कोई निश्चित आकृति फॉर्म करते हैं ना, एक शेप फॉर्म कर रहे होंगे, तो उनको कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन, अच्छा उसी को क्लस्टर भी कहेंगे, ये गैलेक्सी ऑफ स्टार्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स को तीनों नाम से हम जानते हैं। अ कंपनी, रेजिमेंट, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, समझ ही रहे हैं, कंपनी बोलते हैं सोल्जर, सिपाहियों का एक कंपनी बोलते हैं, यानी एक टुकड़ी जिसमें ढेर सारे सैनिक होंगे, या रेजिमेंट कहते हैं, ग्रुप, जैसे हाँ जाट रेजिमेंट हुआ आपका, ठीक है, राजपूत गोरखा, रेजिमेंट हुआ, इस तरीके से जो भी है आपका, गोरखा गोरखा रेजिमेंट हो रेजिमेंट हुआ, गया, सिख रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, आर्मी ऑफ अभी क्या हो सोल्जर्स। रहा, सिख रेजिमेंट। कोई बोलना चाहा है, उनका माइक सही से काम नहीं किया है, कोई कुछ कह रहे थे क्या? शॉमी, मेरे ही तो नहीं है कहीं सर, नहीं, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अच्छा कोई और नए दूसरे जो का है, है, सौमी वाले भाई ऐड हो गए, आवाज आ रही है आपको? चला स्वामी। चलिए ठीक है, तो रेजिमेंट है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स है, ठीक है, कॉन्वॉय, कॉन्वॉय किसको कहते हैं? कॉन्वॉय ऑफ शिप्स, कार्स, कौन शिप का काफिला, झुंड, काफिला, कॉन्वॉय चला आ रहा है कॉन्वॉय काफिला, गाड़ियों का, जैसे मोदी जी का कॉन्वॉय कार्स। निकलता है ना, कॉन्वॉय में नहीं कहते कि भारी चूक हो गई, कैसे चूक हो गई, सुरक्षा चूक, तो कॉन्वॉय क्या हुआ कि काफिला, एक गाड़ी चल रही है, उसके पीछे और भी कभी गाड़ियां ढेर सारी, एक पायलट वैन सबसे आगे होता है, जो आपका भैया लाल इस बार झंड, शिप का थाने वाले की गाड़ी में लगा होता है लाल झंडी, वो सायरन बजाते हुए आगे, सबसे आगे चलता है नेता, जो उसके भी बाद होकर होता है, यानी वो एम्बुलेंस पायलट वैन है, वो उसके काफी दूर पीछे होगा, एम्बुलेंस, रास्ता क्लियर कर रहा है। भैया उसे कहते हैं वन न्यू कार, और जो लास्ट में होते हैं उसे कहते हैं टेल कार। पहला किसका कहते हैं? क्या पायलट वैन क्या शायद कहते हैं। नहीं, वर्निंग कार, वर्निंग, डब्ल्यू अच्छा, डब्ल्यू बना होता भैया वार्निंग उसे, कार, हाँ मतलब वो सचेत करते हुए रोड क्लियर वार्निंग करता जाता है, कार, तो लास्ट का उसमें टेल और कार, लास्ट वाले को टेल टेल, टेल कार, हाँ, आप लीटर डेल बहुत कई कार, बार करते वो मीडिया हो वाला कार रहता होगा वो। कहीं। नहीं नहीं भैया, मीडिया वाला नहीं, जो हमारी रहती अच्छा है वो टेल कार बोल ठीक रहा है, हरी है, झंडी। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि फिर जी उसमें एम्बुलेंस का होता है, यानी भैया, काफिला हुआ कॉन्वे का मतलब। शिप्स, अच्छा कार्स, मूविंग अंडर एन स्कॉर्ट, यानी एक साथ जब ये घूमते हैं, चलते हैं, तो उसको कॉन्वॉय का हम नाम देते हैं। ठीक है, जी भैया, चलिए, अ कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर्स,
लेक्चर का जैसे अभी चल रहा है जो भी ये कोर्स, ये नहीं कहते ये कोर्स लॉन्च कर सीरीज रहे कर रही हैं है। या एक कोर्स चल रहा है, यानी उस कोर्स में ढेर सारे आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे इस तरीके से, जो भी बातें होती है सीरीज नहीं कहते, जैसे वोकैब सीरीज में कह रहा था जी कि आप लोग अगर नए हैं तो देख लीजिएगा श्रृंखला वोकैब है सीरीज में जी। इतने वीडियोस डले हुए हैं, तो सीरीज का मतलब एक श्रृंखला है, एक के बाद एक वीडियो उसमें अपलोड हो रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट से वो भी देख सकते हैं वोकैब सीरीज। क्रू ऑफ सोल्जर, ठीक है, सेलर, सेलर्स सॉरी सेलर, नाविकों का, सेलर सेलर नाविकों का नाविकों का समूह कह सकते समूह हैं, उसके लिए क्रू समूह यूज किया जाता है। अच्छा क्रू एक क्रू और कहते हैं, केबिन क्रू भी एक वर्ड आता है क्रू से, इससे सर। एरोप्लेन में जब चढ़ेंगे जाएंगे वहां तो केबिन क्रू, केबिन क्रू हाँ का मतलब जो क्रू उसमें जो आपकी एयर होस्टेस वगैरह जो भी लोग होते हैं उनको केबिन क्रू कहा जाएगा ना, क्रू जी क्रू मेंबर्स कहते हैं, केबिन। यानी कि जो उसमें आपकी देख रेख करेंगे या आपको जो सर्विस देते हैं। अभी अभी तो भैया हो रहा हाँ अरे वो मजबूरी में चढ़ गए चढ़ गए, चलिए भगवान ऐसी मजबूरी सबको दे। इधर बिल्कुल 24 को केवीएस का पेपर, 26 को हैदराबाद में एएमडी का पेपर, ट्रेन से जाएंगे, भैया 1800 किलोमीटर था, संभव नहीं था, और दोनों एग्जाम की तैयारी, दोनों बिल्कुल एग्जाम देने थे, तो चलिए इसी बहाने चले आए। ठीक है लेकिन यही समझ में आता है, देखिए और कुछ तो लगा नहीं, मतलब जो भी एक्साइटमेंट तो होता ही है समझ। और लौटते समय ट्रेन से आया, थर्ड एसी का टिकट वो ब्रोकर अच्छा से बुक करवाया था, तो 2 दिन का लगभग डेढ़ दिन का जी समय लगा था। ठीक है, भैया एक बात पूछे भैया, अभी नहीं 26 घंटे का समय लगा ट्रेन से आने में और एरोप्लेन से जाने में 2 घंटे का समय। तो अगर मुझसे पूछेगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो यही रहा कि भैया अगर बस पैसे दबाव हैं, ऊपर थोड़ा कम हो जाता है ऑक्सीजन का, किसका रिपीट कर रहा है माइक, ऊंचाई पे जाने माइक का। एक मिनट कौन है ये शोमी वाला, कौन है भैया डिस्टर्ब कर रहा है पूरा, एक मिनट रुक जाइए, माइक बंद कर दे। माइक म्यूट कर लीजिए, एक मिनट मैं यहां से कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास पैसे आप कमाते हैं या आपके पास अगर पैसे रहेंगे तो लाइफ आसान हो जाती है। ठीक है, पैसा आपको इसके अलावा और क्या देगा, कहा। अच्छा भैया एक हाँ एक बताइए जस्ट, क्वेश्चन की, मतलब विंडो सीट पे बैठे थे अरे विंडो सीट ही लिए थे भैया खुद से बुक किए थे विंडो सीट। उसको बोलना पड़ता नहीं, वो सेलेक्ट देखिए, जब टिकट बुक कर लेंगे ना आप, है। तो उसके बाद आप उसी जैसे के समय बोलना, पेटीएम, बोर्डिंग पेटीएम से बोर्डिंग हाँ कराने के टाइम। आपको सेलेक्ट करना होता है सीट, कौन सा सीट आप चाहते हैं। हमने तो सर बोला था उसको, हमने बोला कि भैया हमें विंडो सीट हाँ तो चाहिए आप किसी और से करा, जैसे मैंने खुद से पेटीएम वगैरह से कर लिया था बुक, तो उसमें जी। ऑप्शन था कि क्या कैसे है, तो क्रेडिट कार्ड से कुछ ऑफर भी आपको लग जाते हैं, तो उसमें क्रेडिट कार्ड पे ऑप्शन हाँ आ वो रहा तो था कि आप भैया, इसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कहे चलो भैया सही है, 4800 का टिकट है, 4800 49 सौ, ऐसे 5,000 का मन के चलिए था लग उसके कम में ही, और अगर उसमें भी कम था कि अगर आप मील नहीं लेते हैं तो आपका उसमें ऑफर नहीं लगता उतना का, मतलब वो 5,000 का क्रॉस होना चाहिए तो ही आपका वो ऑफर लग के उतने का आएगा, तो लगभग उसमें डिस्काउंट हो जाता 700-800 रुपये का, तो मैंने उसमें मील भी ऐड कर लिया और तो डिस्काउंट भी लग गया और उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर लिया। कहें चलो सही है, 1600-1700 का महीना बिल्कुल 3 महीने तक चलेगा एरोप्लेन का खर्चा निकल गया भैया, कहें कि ऑप्शन जब मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, छूट भी मिल रहा था। बिल्कुल भैया जी। ठीक है, तो यही है कि मतलब कुल मिला के सुविधा है। और एक चीज और है, आपको देख दिखावे में नहीं जाना है, मैं यही समझा कि मेरा एग्जाम था मुझे अटेंड करना था, तो मेरे लिए यहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना सही था, क्योंकि तो मेरा एग्जाम हो गया और सबसे ज्यादा जरूरत का चीज था ये, कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो आप यूज कर लिए। लेकिन अगर आपको क्या है कि समय, जब क्या है कि समय का कीमत जो है ना पैसे से क्या है कि जब ज्यादा हो जाए तो आप इसका यूज करिए, जैसे मेरा समय का कीमत उस समय पैसे से ज्यादा था क्योंकि एग्जाम देना था, मैं उस टाइम पे पहुंचना ज्यादा जरूरी था, लेकिन आपके पास जब पर्याप्त समय हो तो आप आराम से जर्नी करते हुए कम खर्च में भी निकल सकते हैं। लेकिन ज्यादा लंबा अगर यात्रा है, टाइम लगता है, तो आप इसका प्रयोग करिए। तो यही है, इसके लिए मेहनत करना है, क्यों करना है, जॉब क्यों पाना है अच्छा सा। कितना लंबा होगा समय, यहाँ से तमिलनाडु भी हो गए तब भी 2 घंटे में आराम से पहुंच 1800 जाएंगे किलोमीटर था यहां से दरभंगा से, जैसे बिहार से अगर यहां से जाते हैं आप दरभंगा एयरपोर्ट से ट्रेन बिहार से। तो से अगर जाते, तो सोचिए आपको 2 घंटे में यहां से हैदराबाद छोड़ दिया, हाँ तो प्लेन से तो जल्दी पहुंच ही जाएंगे पर तो यही है ना कि सुविधा। अब तब देखिए यही है कि अगर जो पढ़ेगा जो जॉब लेगा उसके लिए ये चीज आसान रहेगी बाद में, नहीं तो आपके पास अगर जॉब नहीं रहेगा ना तो आप सोचेंगे 5,000 रुपये में तो कितनी बार हम क्या कहाँ से कहाँ चले जाएं, ट्रेन से चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यही है कि आप बात मेहनत करेंगे, अच्छे पोस्ट पे जाइए, अधिकारी बनिए, पैसे कमाइए, आपको उस हिसाब से पे भी मिलता है ना,
नहीं तो फिर आपको हमेशा लगता क्या रहेगा कि आप लेस पे किए जा रहे हैं, यानी अंडर पेड हैं। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर क्या होता है, जैसे मान के चलिए किसी भी सेक्टर में, अब कुछ ही लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में खुश हैं, जो भी अच्छे पोस्ट पे हैं या जो वाकई में उनके में टैलेंट है। नहीं तो बाकी जगह जो भी सुनने को क्या मिलता है कि मैं काम इतना करता हूँ और पेमेंट कम मिल रहा है। कारण है कि प्राइवेट सेक्टर वो क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो आप अगर 10,000 में काम नहीं करने वाले होंगे, आप कहेंगे कि हमको 12,000 दो, उसके पास 8,000 में भी काम करने वाला बंदा तैयार रहता है। इस वजह से कोई बोलता नहीं, लेकिन सरकारी में तो ऐसा नहीं है ना। आप जितना काम करेंगे फिक्स सैलरी है आपको मिलेगी, सिक्योरिटी होती है, सबसे बड़ी बात यह है, 60 ईयर्स तक, तो बहुत फायदे हैं। ठीक है, चलिए। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स का मतलब क्या हो गया, नाविकों का आपके मन में? समूह, ठीक है, नाविकों मॉब किसको कहते हैं? नहीं सुना होगा आपने, मॉब लिंचिंग। का समूह। देखो, सुना है मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है भीड़। कि भीड़ का शिकार होकर अगर किसी को मार दिया जाता है, जैसे कोई चोर पकड़ा गया, अब भीड़ वहीं पे उसका अपना फैसला कर दी कि नहीं, अब चोर है, इसको मार ही दो जान से, इतना पीटी कि मर गया, इसी को मॉब लिंचिंग कह रहे हैं। तो मॉब का मतलब क्या है, भीड़। और कभी कभी देखते होंगे ना किसी नेता पे या किसी पे भीड़ को भड़काने का केस हो जाता है, कि आप जैसे नेता हैं, आप भाषण कर रहे हैं स्टेज से, वहां चप्पल पे कुछ ऐसा बोल दिया कि इसको मार दो, ये हमारे काम नहीं है, पहन इस तरीके से है, यानी किसी भी दूसरे धर्म के बारे में या किसी भी कम्युनिटी के बारे में आप बोल दिए, तो वहां पे क्या है, आपके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी को उकसा रहे हैं, आपको सुनने लोग आई है, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे आप काफी लोग मतलब क्या होंगे कि फिर वहां से भागेंगे और उस चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे क्राइम में, तो ये भी ध्यान रखना होता है। जैसे सोशल मीडिया है, मैं ही अभी अब जैसे ये यूट्यूब पे है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होता है कि आप जल्दबाजी में या क्या कहते हैं उत्सुकता में कुछ ऐसा ना बोल जाएंगे किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो, किसी की भावनाएं आहत हो। आज के डेट में तो खासकर और भी ये ध्यान रखना होता है, यानी कॉमन वे में आप कुछ नहीं कह सकते, किसी को टारगेट करके आप कुछ नहीं कह सकते। कॉमन वे में सही बातें कहिए, ऐसा नहीं कहिए कि किसी को अच्छी लगे तो किसी को खराब लग जाए, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो क्या है, वॉइस क्राउड, रुक क्या रही सर? आवाज रुक रही है क्या? नहीं भैया, सही आ रही क्राउड का मतलब क्या हो गया, यानी कि हूँ। लोगों की भीड़ के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, क्राउड या तो मॉब। क्लियर है? जी अब समझिए, यहाँ पे एक करिकुलम ऑफ स्टडीज, करिकुलम का जरा स्पेलिंग देखिए आप लोग, सी यू डबल आर आई सी यू एल यू एम। क्यों ऐसा वर्ड का मैं कहता हूं, देखने के लिए कम से कम एक बार आपकी नजर गई रहेगी ना, तो एग्जाम में कभी ऐसा होता है मिस स्पेल्ड वर्ड पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा वर्ड गलत है, तो आपको सही वर्ड मालूम रहेगा तभी ना गलत छांटेंगे। करिकुलम, सी यू डबल आर आई सी यू एल यू एम, ऑफ स्टडीज क्या होता है, एक पाठ्यक्रम बोलेंगे ना करिकुलम को, क्या बोलेंगे, सिलेबस या पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम 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 और सिलेबस को क्या कहेंगे, सिलेबस को कहेंगे, सिलेबस को आई थिंक पाठ्यक्रम कहते करिकुलम हैं, और करिकुलम होता है, को कुछ और कहते हैं। जब हम लोग अरे बना रहे करिकुलम वाइटा, वो बनाते हैं इंट्रोड अपना, देखिए, वो इसका देते इसका हैं ना इसका अरे थीरी। केंद्रीय विद्यालय में जो भी मैं पढ़ रहा था उसके लिए, तो इसमें अंतर पूछा था क्या होता है करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर। पाठ्यसागामी, हाँ, पाठ्यसागामी क्रियाएं कह सकते, पाठ्यसागामी क्योंकि देखिए करिकुलम आपका पढ़ाई के अलावा भी जो भी चीज आपके साथ स्कूल में हो रहा है, चाहे वो खेल का कोई कंपटीशन हो या डिबेट कंपटीशन, अदर यानी एक्टिविटी जो पाठ के होती है। अलावा भी जो भी पढ़ाई के अलावा जो भी चीजें हो रही है वो करिकुलम में है, वो आपका क्या है डिसाइड करता है आपका जो स्कूल प्रशासन है, और सिलेबस जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है वो है। बात समझ रहे हैं? सिलेबस मतलब पाठ्यसूची सर। हाँ, कि जो आपको पढ़ना है वो है सिलेबस, और करिकुलम पढ़ाई के अलावा भी जो सारी चीजें हैं वो करिकुलम के अंतर्गत आता है। तो स्टडीज का क्या है, करिकुलम क्या होगा, उसके लिए क्या कहते हैं, जब ढेर सारी चीजें जब एक साथ करनी हो स्टडीज से रिलेटेड, उसको करिकुलम कहेंगे। ठीक है, जी अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब हो गया सीढ़ी, चढ़ते हैं, चिड़िया। और स्टेप्स का भी मतलब क्या हुआ, स्टेप भी सीढ़ी के ही को वो कहते हैं, स्टेप कदम कदम भी या कहते स्टेप हैं, सीढ़ी। हाँ स्टेप। स्टेप भी सीढ़ी के सेंस में आता है। उसके लिए क्या, कौन सा वर्ड है, जब ढेर सारे जी जी हों फ्लाइट स्टेयर्स या स्टेप्स, तो फ्लाइट कहेंगे उसे, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स या फ्लाइट स्टेयर्स, इसको ऑफ ध्यान रखने की बातें हैं। स्टेप चलिए अब स्टेप्स। देखिए, अगर शिप का झुंड हो, भेड़ का झुंड हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे, फ्लीट यूज वर्ड करते हैं, फ्लीट यानी
ये आपको याद रखना है ये सारे वर्ड्स, कि अगर सिप का, भेड़ का झुंड है तो उसको क्या कहेंगे? कभी कभार आप देखते होंगे कि जब रास्ते में मीट चल रहे हैं तो कोई जो चराने वाला है उसको घास चराने वाला, एक पूरा भेड़ का झुंड होता है, और नहीं कहा जाता कि गढ़िया कहते हैं, गढ़िया हाँ नहीं, झुंड 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 की बात हो रही है। हाँ तो नहीं, झुंड नहीं, चराता है उसको कहते हैं, गड़ेरिया, गड़ेरिया शायद कहा जाता है उसको, क्या है? गढ़िया क्या कहते हैं। हाँ तो अब भेड़ की चाल, अच्छा एक सुना होगे ना आप कहावत की, भेड़ की चाल मत चलो, मतलब क्या है कि हमारे साथ वाला बच्चा 12th के बाद अगर बायो ले रहा है तो मैं भी बायो लूंगा, वो अगर इसकी तैयारी कर रहा है मैं भी, यानी भेड़ क्या करता है कि अगर एक भेड़ आपका क्या है, अगर कुएं में कूद गया तो उसके पीछे पीछे सारे भेड़ वहीं पे कूदते चले जाएंगे, यानी एक को एक फॉलो करता है वो भेड़ जो है, इसलिए कहा जाता है भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए, कि सामने वाला अगर गलत कर देगा तो आप भी गलत कर दोगे, समझ रहे हैं? तो जो भेड़ का झुंड है उसको क्या कहेंगे हम? फ्लीट। और या तो मोटर कार है, कोई कार है जैसे रेसिंग वगैरह का है या इस तरीके से, उसका एक तरीके से झुंड है तो उसको, उसके लिए भी फ्लीट यूज करते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स या अ फ्लीट ऑफ मोटर कार्स। ठीक है, इसको आप समझते हुए याद करते चलेंगे। देखिए गीज, गीज वही आ गया, पढ़ा था हमने ना पीछे, बत्तख के बत्तख बच्चे को गूज, गूज का गीज हो गया, गूज बीस जी डबल बीस ओ एस का ई, समूह जी डबल ओ एस ए, हाँ एक के लिए, और जी उसका डबल ओ गीज एस होता है ई प्लूरल। गूज जी डबल ई एस ई या तो शिप या तो बर्ड्स, बर्ड्स फ्लॉक कहते हैं उसको। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक फ्लॉक। मिनट, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुआ, ये जो एस हाँ एच आई भैया, पी एस है वो सिप्स, वो वाला सिप है, भैया जो जहाज वाला, पानी नाव वाला वाला जहाज का है, नाव देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। वाला, और ये वाला शिप हो गया तो और भेड़ उसके उसके लिए या तो मोटर कार के लिए फ्लीट यूज होता है, ठीक है, भेड़ वाला फ्लॉक यहाँ पे आ गया, फ्लॉक ये वाला सिप, फ्लॉक बोलते हैं एस एच डबल ई पी सिप जो होता है, ये भेड़ वाला सिप जी होता है। भैया। तो या तो गीज हो, या तो शिप हो, या तो बर्ड्स हो, इन सब का जब झुंड होगा तो उस झुंड के लिए हम फ्लॉक वर्ड यूज करते हैं, एफ एल ओ जी सी के, क्लियर भैया, है? फ्लॉक, जी फ्लॉक ऑफ गीज। वाली में बहुत मतलब काट काट के दे रखा है, सिर्फ वर्ड्स का लिख रखा है, फ्लॉक मतलब वर्ड्स बस। अच्छा नए वाले हाँ में, भैया चलिए तो इस बिल्कुल मायने में पुराना वाला फिर अच्छा है, मेरे पास तो है। अच्छा बिल्कुल भैया, नए वाले में बिल्कुल बहुत काट देखिए के दे किताब रखा का है। भी नया पुराना नहीं, मेरा एक दोस्त था वो कुछ दिन के लिए लिया था, अभी तो इन्फोसिस में इंजीनियर है वो, तो वो लिया था सीजीएल की तैयारी का, उसको भूत सवार हुआ था कुछ दिन, तो ये बुक लिया था, ठीक है 2013 का प्रिंट है, तो वही जब जाने लगा ना कुछ दिन साथ में रहा था इलाहाबाद में, तो उसकी जॉब ज्वाइनिंग आ गई ऐसे ही, तो कहा कि ये रख लो मेरे काम का नहीं है, हम क्या रख दो, तो वही किताब फिर चल रहा है, हम कह कि चलो किताब में तो किताब है, नया पुराना क्या होता है, उसी से काम चल गया। तो जी पुराने वाले का फिर तो आपके पास है ना, आप ग्रुप में तो भेज ही रखा है, उससे देखिएगा। भैया, चलिए, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, लेबरर्स, रॉबर क्या होता है? डकैत, जो रॉबरी करे, डकैत डकैतों का अगर समूह है डॉबरी तो उसको गैंग कहते डाकू हैं, डाकू, डाकू डाकुओं का जो झुंड होता है, डाकू डाकुओं का समूह के लिए गैंग वर्ड यूज होता है, या लेबरर्स समझ जो मजदूर हैं, मजदूरों का जो समूह मजदूरों होगा का उसके लिए भी गैंग समूह कहेंगे वर्ड, ठीक है? जी चलिए भैया। अगला है, अ गारलैंड बंच गया बकेट, बकेट ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स। फ्लावर्स के लिए बकेट, यहाँ अच्छा इस बुके बुखे, क्या बुखे का स्पेलिंग ही ये है क्या? बुके 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 कहते हैं सर बुके, वही ना ये कह रहा हूँ, बुके 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 ही बकेट तो कहेंगे, बाल्टी बकेट होगा, बकेट बी यू सी के मुझे ई टी बुके, बकेट हाँ हाँ बाल्टी हाँ होते कहे BUCKET, तो ये बुके होगा ये बुके का ही स्पेलिंग है ना, बुकेट, एक मिनट जरा ये कंफर्म बकेट हो लो, का BOU नहीं, बकेट तो है नहीं, BU, बकेट नहीं होगा, बी यू सी के ई टी बुके ही बकेट कहते हैं, कंफर्म हो बुके गया, कहेंगे, बुके बुके और फ्लावर हाँ वही है, देखिए बुके मैंने टाइप किया, यही आया फ्लावर का आपका, ठीक है, फ्लावर का ये जो बुके एक नहीं देते हैं कि स्पेलिंग के जैसे लिए BOQUET, बुके बुके ही कहेंगे, ठीक है? तो अब इसके लिए क्या है, जब जानते हैं बुके, जब किसी का स्वागत करना हुआ, नेता मंत्री, उनको हम लोग ऐसे देखे, मतलब जब फूलों का जब झुंड होता है एक समूह को हम बुके कहें, ग्रुप ऑफ या फ्लावर्स बंच ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, या गार्लैंड ऑफ फ्लावर भी, फ्लावर्स भी कहेंगे, ठीक है? तीनों वर्ड उसके लिए फ्लावर के झुंड के लिए यूज हो जाएगा। अगला है अ हीप ऑफ रुइन सैंड स्टोन्स, हीप मतलब जैसे कि एक स्टोन का, पत्थर का जैसे जमावड़ा कर देते हैं ना एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से, या रेत का टीला,
हम टीला जो एक ऊंचा बना देते हैं सैंड, सैंड ये का, रुइन, रुइंस मतलब रुइंस क्या होता है, सैंड का, तो हीप ऑफ सैंड तो रुइंस, हो गया टी, बालू, बालू के सेंस हाँ में ये क्या, एक मिनट चेक बालू करता का हूँ। टीला हो गया, पत्थरों का टीला हो गया, मतलब रुइंस नहीं बता, अच्छा एक रुइन का मतलब बताइएगा क्या होता है, RUIN। बर्बाद होना, बर्बाद क्या बात है सूरज जी, होना, हाँ भैया रुइन, रुइन, रुएन इसको बोलते हैं, अ डैमेज, टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट लूजेस ऑल इट्स वैल्यू प्लेजर, किसी चीज को तबाह कर देना। अच्छा ये तो रुइन हो गया, रुइंस रुके हीप ऑफ रुइंस सर्च मतलब करता हूं, टूटा फूटा, टूटा अ हीप फूटा, ऑफ रुइंस, वही बर्बादों का समूह तो नहीं है, नहीं नहीं हो इसका है, अ सकता प्लेस और थिंग दैट इज वेरी ओल्ड अनटाइडी अनरिलायबल, अ हीप ऑफ रुइंस वही है, यानी वैसा अविश्वसनीय जगह या वैसी चीज जो काफी पुरानी है और अनरिलायबल है, मतलब है, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, वही है भैया, बर्बाद के टाइप में ही है अभी। अरे खंडहर जैसा अच्छा देखिए इसका एग्जांपल सर, क्या है, जैसे 10 मिनट में ये हो रहा है, खंडहर हिरोशिमा, कह सकते हैं, हिरोशिमा खंडहर, वाज वंस अ हीप ऑफ रुइंस, हिरोशिमा पर जैसे एटम बम वो हुआ था तो एक समय वो हाँ एक तरीके से हिरोशिमा हीप ऑफ नागासाकी, रुइंस था, ठीक है, खंडहर बन यानी कि गया था, वही है जो बर्बाद हो कि गया था। जो अब काफी पुराना है और एक तरीके से बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है, इसके लिए हुआ, अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं मवेशियों, कैटल के लिए मवेशी यूज करते हैं ना, जी तो सर, मवेशियों का जब झुंड होगा ना तो उसके लिए क्या कहेंगे, उसके लिए हम अ हर्ड ऑफ हार्ड कैटल। ऑफ कैटल, अच्छा पपीज, पपीज किसको कहेंगे, कुत्ते के बच्चे को हम पपी कहते हैं, लिफ्टर, तो जब क्या कहेंगे, ढेर सारे जब पपी, जैसे कुत्ता बच्चा देगा ना तो एक साथ 5-6 देता है या ज्यादा संख्या में, तो उसको क्या कहेंगे, लीटर, LITER, लीटर, लीटर ऑफ पपीज, ठीक है, लीटर ऑफ, लीटर ऑफ लीटर पपीज। ऑफ, लीटर और एक ऑफ और लीटर पपीज, का मतलब बताइए क्या होता है, बाद में एक लीटर है कि लेटर, एक लेटर एक कचरा फैलाने, फेंकना सर, हाँ गंदगी हाँ हाँ फैलाना, हाँ हाँ गंदगी अच्छा फैलाने, वो लेटर वाला, हाँ गंदगी, वो भी ये होता है लीटर करना, लिटरिंग, ठीक है, कूड़ा लेटरिंग, फैलाने के सेंस में भी आता है, इसको मैंने कहाँ देखा था, यहीं पे प्रयागराज में जब था तो एक स्वच्छ नगर निगम का भारत एक वाले बोर्ड में लगा लेटरिंग, था हाँ स्वच्छ भारत वाला, स्वच्छ भारत वाला, उस पे कहीं लीटर वर्ड मैंने देखा था, हाँ उसमें लिखा रहता है लेटरिंग करके, हाँ डोंट लिटर एल आई दी डबल एलएचआर इस तरीके से, टी लेटरिंग, ठीक है, तो लीटर ऑफ अपीस हो गया। चलिए अगला है, अ पैक ऑफ हॉर्न्स कार्ड्स, क्या होता है, कार्ड तो समझ रहे हैं, पैक ताश का जो गट्ठर नहीं देखते हैं हाँ ताश का, भैया जो खेलते होंगे जानते होंगे, क्या सूरज जी, जी ठीक है, कार्ड्स, हॉर्न्स क्या हुआ भैया भैया, सर्च करो भैया, देखो जरा, डॉग्स भी तो लास्ट में भैया, कार्ड्स, कार्ड्स का वही, जब एक तरह से क्या कहते हैं उसको हम लोग, हम्म, जब कार्ड का जो एक तरह से गट्ठर जो हुआ उसको क्या कहेंगे, पैक, पैक वर्ड उसके लिए यूज होता पैक है, जी, ठीक है, चलिए हॉर्न्स का देख लीजिए, HORNDS, हॉर्न्स को कहते हैं शिकारी कुत्ता, है, शिकारी कुत्ता, और भैया तो स्नीफर डॉग इसमें बोलते हैं ना, अ हॉर्न इज अ शिकारी टाइप ऑफ हंटिंग डॉग स्नीफर यूज डॉग, बाय हंटर्स टू ट्रैक और चेज प्रे, यानी शिकारी कुत्ता जो शिकार पकड़ने के लिए यूज करते हैं उनको हॉर्न्स कहते हैं, तो स्नीफर डॉग भी तो बोलते हैं ना सर, हंटिंग ब्रीड वाला डॉग जो है बस, ठीक है। चलिए अच्छा अगला अच्छा है, अ पेयर ऑफ शूज, ये तो क्लियर है, ये तो देख ही चुके थे कि जूतों का सीजर जोड़ा है, तो अ पेयर यूज करते हैं, सीजर्स के लिए भी हम कंपास लोग, हो गया, कंपास पेयर ले ही है वो भी, सकते हैं, कंपास पेयर ब्राउजर्स, अ सीरीज ऑफ सीरीज फिर इवेंट्स आगे, यानी कि घटनाओं का जो श्रृंखला चलते चला जाता है, सीरीज है, अ शेफ ऑफ कॉर्न एरोज, ये क्या होगा, शेफ कॉर्न माने मतलब एक तो मक्का होता कॉर्न तो मक्का है, होता नहीं है, ये एस एच, चींटियों का समूह, चींटियों का समूह होगा, और भैया वी मतलब चिड़ियों का, और फ्लाई मतलब, हाँ फ्लाई मतलब चिड़ियों का, और बी मतलब मक्खियों का समूह, और आंड मतलब चींटियों का, अ बंडल ऑफ एरो सफिशियंट टू ऑल स्वार्म, हाँ स्वार्मिंग कहते हैं, बी, बीज होता है आर्थर। ना मधुमक्खियों का जो है, अच्छा ये झुंड, एरोज, एरोज तो देखिए तीर को कहते हैं, वान को देखा होगा ना हाँ आपने, एरो तीरंदाजी जो करते हैं उसमें एरो चलाते हैं, वो हुआ, एरो, उसको जो एक साथ रखते हैं ना हम लोग पीठ पे,
देखते होंगे पहले राम जी भी चलाते थे ऐसे निकालते थे जाके। सर्कस में, सर्कस में। हाँ 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 ठीक है, उनको कहा जाएगा शेफ ऑफ एरोज कहा जाएगा। और कॉर्न का सेंस यहाँ पे क्या है? कॉर्न शेफ ऑफ कॉर्न, बताइए जल्दी, मैं भी सर्च कर लेता हूं। मकई का एक भुट्टा, भुट्टा फुलिया, का तो, मक्का भुट्टा। हाँ भुट्टा भाई, भुट्टा, मक्का ही वही का भुट्टा भैया, वाला जो खाते भुट्टा हैं, भुट्टा ठीक कॉर्न, है, मकई, मकई का जो है क्योंकि उसमें तो ढेर जुंडल सारे है। दाने होते हैं ना। जी भैया, हाँ एक में हाँ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो शेफ ऑफ कॉर्न या रोज, ठीक है। अ स्वार्म ऑफ एंट्स, अब ये चींटियों का झुंड को क्या बोलते हैं? स्वार्म झुंड, कहेंगे। झुंड, झुंड। या हाँ बी मधुमक्खी का, या तो किसी मधुमक्खियों का जो, फ्लाई का, किसी कीड़े का, किसी क्या बोलेंगे फ्लाई, फ्लाई को, मक्खी, मक्खी, जैसे आपका ड्रैगन फ्लाई मक्खी, होता है जो मक्खी जब बारिश कहेंगे होती है, मक्खियों का मक्खी, ये, ठीक मक्खी। हाँ है। चलिए, अ ट्रेन ऑफ कैरेजेस फॉलोअर्स, जब फॉलोअर्स का झुंड हो कैरेजेस मतलब होता है जो क्या होगा? जो सामान ले जाते हैं, क्या सामान वाला कैरेजेस, और फॉलोअर को जिनको अटेरन माल कहेंगे, गाड़ी जिसे कहते हैं, माल गाड़ी। अ ट्रेन ऑफ, हाँ मालगाड़ी के सेंस, एक मिनट देख लेता हूँ, कैरिजेस तो वही कहा जाता कैरेजेस, हाँ वही हो, कैरी कर रहे हैं ना, ले जा रहे है। हैं। वही है मालगाड़ी, हाँ क्योंकि उसमें देखिए ढेर सारे बोगी जुड़ी होती है ना। बोगी होती है सर, कोई चलिए, दो तीन कोयला मिनट ले बचा जाता है है, या कुछ ऐसे। इस पार्ट को खत्म ही ट्रूप, कर ले। अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, कैवलरी, समझ रहे हैं क्या कैवलरी, होता है? वही घुड़सवार बताया, जो, घुड़सवार जो घोड़े पर जो है, हाँ उसको ट्रूप कहेंगे। आर्मी अच्छा होती है इसको। ट्रूप एक वर्ड यहाँ भी यूज होता है, देखोगे पैरा ट्रूपर्स, ट्रूपर्स, पैरा ट्रूपर्स जो छतरी, आसमान से, वह छतरी सेना उसको कहते हैं, हाँ जब ऊपर से आसमान अच्छा, से जो कूदते छतरी हैं, सेना। ठीक है, पैरा ट्रूपर्स, उसमें भी ट्रूप यूज होता है। अ वॉली ऑफ शॉट्स, बुलेट्स, बुलेट मतलब गोली, बुलेट, गोली, तो वॉली उसको कहेंगे क्या, जो शॉट्स, एक तरीके से जो गोली, एक तरह से लगा जो होता है बेल्ट टाइप का जो गोली, उसमें ढेर सारा होगा, जो गब्बर सिंह पहनता था उसको कहेंगे क्या? पट्टा जो नहीं, पट्टा नहीं पहना पहनते थे रहता बेल्ट की तरह। था। हाँ जी वही, भैया, अरे देख लेते वो हैं एक गल बार। इधर भैया से कंधे से भी बिंडोलिया पहने बोलते रहते हैं, हैं। भैया बिंडोलिया क्या बोलते हैं? देसी भाषा में बिंडोलिया, मतलब हमारे यहाँ बिंडोलिया हाँ मतलब एक ठीक है। शब्द बोल अ फोरम ऑफ रहे हैं, पीपल ये डिस्कसिंग, छत्तीसगढ़ वाले यानी ज्यादा सही। या किसी इश्यू पे, किसी मुद्दे पे अगर कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसे फोरम कहते हैं। और फोरम का वर्ड का यूज देखा फोरम, होगा ना आपने, उपभोक्ता फोरम सुना होगा आपने। और लास्ट इशू, हाँ इसका, किसी मुद्दे, अ कंग्रीगेशन ऑफ पीपल डिस्कसिंग रिलीजियस इश्यू, अगर कोई धार्मिक मुद्दे पे कोई बहस कर रहा है कुछ लोगों का समूह, धार्मिक तो उसे कहेंगे ए कंग्रीगेशन ऑफ पीपल, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन जी, कॉन्ग्रीगेशन तो यहां तक ये क्लियर हुआ आज। एक बार इसको आप क्या करेंगे, आज आप होमवर्क में समझ लीजिए कि ये जितने वर्ड यहां से यहां तक थे, ये वाले, इसको आप फिर जी से 2 से 3 बार बोल बोल के बस पढ़ेंगे, आपको कंफर्म हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी नाउन जी जेंडर जी से हम ओके लोग कल डिस्कस करेंगे। अब हम लोग नाउन का वो डिस्कस हो चुका है, अब इस पर लिंग पे आएंगे कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे फेमिनाइन बनाते जेंडर हैं, क्या होगा, ठीक है, जी, ओके इस तरीके से। और यहां तक आप लोग डिस्कस मतलब अच्छे से पढ़ के रिविजन करके रखेंगे, ठीक है। जी, और किसी को कोई दिक्कत? नो सर, चलिए ठीक है, तो क्लास में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। जो लोग नए होंगे, इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, जूम ऐप का लिंक वहां से मिल जाएगा आपको, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पुराने वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट बता हुआ है, हिंदी व्याकरण के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, वहां पे हिंदी ग्रामर मतलब व्याकरण के आपके सारे वीडियोज हैं। वो कैब सीरीज का प्लेलिस्ट है, उसमें वो कैब वाले वीडियोज पर डे अपलोड हो रहे हैं। इडियम फ्रेज का सीरीज है, उसमें इडियम फ्रेज वहां से जाके क्लियर करिएगा। संडे को हमने टेस्ट रखा है, संडे को टेस्ट होगा आपका, अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसका टेस्ट है, तो अच्छे से तैयारी करके रखिएगा। मुझे मालूम है कुछ लोग गायब हो जाएंगे उस दिन, लेकिन जो लोग यहाँ आ रहे हैं उसको तो वो तो आएंगे, मुझे मालूम है। जी बाकी लोग भैया, भी उस टेस्ट में प्रेजेंट जरूर होइएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं तो कितना फायदा है, कितना समझ में आ रहा है, कितना याद कर पा रहे हैं आप उसको। और कम से कम टेस्ट का फायदा जी ये भी होता है कि क्या आपको नहीं आ रहा है, किस में आपको कंफ्यूजन है, आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, उसका भी पता चलता जी है। तो आप, कल वर समय है, कल भी क्लास होगी, ठीक है, और 10 बजे रात में ही, तो कल तक जो पढ़ाई होगा, संडे को हम लोग अच्छे से एक टेस्ट सेशन रखेंगे और वहां पे हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। जी तो जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग का जो परिवार है लर्नर्स फेलो का, 800 का होने वाला है,
या चार बचा हुआ था शायद, जल्दी 800 का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, और मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो बिल्कुल तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर ठीक डिस्कशन हो जाएगा। है, शुभ रात्रि धन्यवाद। सभी को, चलिए।